बीते कुछ दिनों पूर्व मोहन नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत हुई रिटायर्ड कर्मी के साथ इंश्योरेंस का नाम लेकर ठगी के मामले का खुलासा किया गया। मामले में फर्जी कॉल सेंटर जो कि देश की राजधानी दिल्ली से संचालित किया जाता था, इसका पर्दाफाश कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बीते कुछ दिनों पूर्व दुर्ग रिटायर्ड BSNL कर्मी के साथ हुई 16.5 लाख की ठगी की शिकायत मोहन नगर थाने में प्रार्थी ने की थी। वहीं इस लाखों की ठगी के मामले में पुलिस द्वारा सघनता से जांच और छानबीन की जा रही थी। वहीं मामले में फर्जी कॉल सेंटर का जो कि राजधानी दिल्ली से संचालित किया जा रहा था, कॉल सेंटर के जरिए ये इंश्योरेंस का नाम बताकर ठगी किया करते थे, इसका खुलासा पुलिस ने किया है। चार आरोपियों को पुलिस ने जहां गिरफ्तार किया है, वहीं उनके पास विभिन्न बैंकों के ATM कार्ड व साथ ही विभिन्न बैंकों के दस्तावेजों को बरामद किया है। मामले के खुलासे के दौरान ASP संजय ध्रुव ने मीडिया को जानकारी दी। मोहन नगर थाने का मामला है जहां पर कुछ दिनों पूर्व एक रिटायर्ड BSNL कर्मचारी ने एफआईआर कराया था कि उनके साथ 16.5 लाख की ठगी हुई है इंश्योरेंस कंपनी का स्कीम बताकर। जब पुलिस ने इसमें साइबर सेल और मोहन नगर थाना ने इसका तहकीकात शुरू की, तब दिल्ली का एक गिरोह को भंडाफोड़ हुआ है जिसमें चार लोग शामिल हैं और इसमें और लोगों की होने की संभावना है। और ये एक गिरोह है जो कि रिटायर्ड कर्मी और खासतौर से जो सीनियर सिटीजन है उनको टारगेट करते हुए इंश्योरेंस स्कीम का लाभ दिखाकर धोखाधड़ी किया करते थे और इनके द्वारा देश के विभिन्न कोनों के लोगों को ठगी किया गया है और इसमें पूछताछ की जा रही है। हमारा जो प्रार्थी है उसी मामले में उस मामले को लेकर भी गिरफ्तारी की गई है चारों की और इनका जो कॉल सेंटर उसको भी ध्वस्त किया है पुलिस ने और इनके पास से बहुत सारे अकाउंट ATM आदि चीज़ों को रिकवर हमने सीज करते हुए रिकवर किया है। बहरहाल गिरफ्तार आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है, वहीं अन्य आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए गौरव तिवारी के साथ शाहीन खान की रिपोर्ट।